नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। आज बात करेंगे रुचि सोया इंडस्ट्रीज के बारे में। रुचि सोया के शेयर होल्डर के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूज आ रही है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से। इसमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने 1200 करोड़ का लोन दिया है पतंजलि के बाबा रामदेव को, जिससे वो रुचि सोया को बाय कर सके, एक्वायर कर सके एंड डिस्पेट जीरो रिकवरी एंड RS 746 करोड़। पहले जो 746 करोड़ का लोन था उसके ऊपर कोई रिकवरी नहीं हुई है, लेकिन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने 1200 करोड़ की लोन फिर से दे दिया है रुचि सोया लिमिटेड को। तो इसी पे चर्चा होगी। तो वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को लाइक कर दे। चलिए शुरू करते हैं, क्या डिटेल है, क्या डिसीजन है, क्या बात हुई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से रुचि सोया की, रुचि सोया की क्या फ्यूचर प्रोस्पेक्टिव है, अभी तक जो लॉस मेकिंग कंपनी है फ्यूचर में क्या हो सकती है। कल लोअर सर्किट लगा था रुचि सोया में, लेकिन शाम को बंद होते होते लो सर्किट टूट के 2 रुपया बढ़ के बंद हुआ। 860 पे लोअर सर्किट था, उसके बाद प्लस पे बंद हुआ। आइए आपको दिखाते हैं। रुचि सोया लगभग 4.5% घट के 862 पे बंद हुआ और इसके जो लोअर सर्किट था वो 860 पे था। अभी तक मैं रुचि सोया का टॉप बताऊं तो 1519 का टॉप है रुचि सोया का और कमाल का रिटर्न दिया है। और अगर बात करें फ्राइडे का तो लगभग 3 लाख शेयर ट्रेड हुए हैं और उन 3 लाख शेयर में 1,05,000 शेयर डिलीवर हुए, यानी कि लगभग 36% की डिलीवरी उठाई गई है रुचि सोया लिमिटेड में। अब फ्यूचर प्रोस्पेक्टिव्स के बारे में बात करते हैं। क्या इसके अंडर पोजीशन है, कहां से टर्न अराउंड हो सकते हैं और क्या इसके रेजिस्टेंस लेवल हैं। क्या रुचि सोया 700 से टर्न अराउंड होगा या रुचि सोया की फेयर वैल्यूशन है वो 550 से 700 के बीच में है, तो इसी चीज़ को डिस्कस करने वाले हैं। 700 पे रुचि सोया के बेहतरीन रेजिस्टेंस और सपोर्ट भी हैं, तो उसकी भी डिस्कस करेंगे। उससे पहले न्यूज़ को डिस्कस कर लेते हैं जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से आया है। SBI रिस्पॉन्ड टू शेयर होल्डर हैव अनवील्ड स्ट्रेंज बैंकिंग प्रैक्टिस विच सजेस्ट अ कैलवस डिसगार्ड फॉर रिकवरिंग बैड डिप्ट। इसी की बात हुई है बैड डिप्ट की। 2019-2020 SBI रोट ऑफ में 746 करोड़ नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स NPA रुचि सोया इंडस्ट्रीज लिमिटेड एंड हैज नॉट रिकवर्ड अ सिंगल रुपी। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने रुचि सोया को 746 करोड़ दिया था, उसमें से 1 रुपया भी रिकवर नहीं किया जो NPA में हुआ था। प्लान अप्रूव्ड अंडर द इंसॉल्वेंसी एंड बैंक ड्यूटी कोड IBC हैड इंडिकेटेड दैट SBI वुड रिकवर 883 करोड़ अगेंस्ट इट्स एडमिटेड क्लेम ऑफ 1816 करोड़। जो इनको हेयर कट दिया था SBI ने पतंजलि के बाबा रामदेव को, ये मेंशन भी है ये चीज़। और इसके अलावा 1200 करोड़ का लोन भी दे दिया बाबा रामदेव को। जो बात क्लियर है कि पहले जो लोन है 746 करोड़ का लोन रिकवर तो किया नहीं SBI ने, 1200 करोड़ का रुपया का लोन और दे दिया रुचि सोया को। यही न्यूज आया है, इसी के कारण अब जो इम्पैक्ट होगा वो आपको मंडे को देखने को मिलेगा कि पॉजिटिव इम्पैक्ट है और या निगेटिव इम्पैक्ट है, वो आपको मंडे को देखने को मिलेगा। क्लोजिंग के टाइम लोअर सर्किट टूटा है और अच्छा बाइंग आई है, तो मंडे को देखना होगा क्या कंडीशन है मार्केट का और रुचि सोया का। तो चलिए आज के इस वीडियो में बस यहीं तक। नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। शेयर मार्केट से रिलेटेड न्यूज़ लाते रहते हैं इस चैनल पे।